तो ये देखिए कुछ इस तरीके से काटेंगे थोड़ा अलग ढंग से। तो ये हो गया रेडी। इतना प्यारा फील है ना इसका, इट इज सो सॉफ्ट एंड जस्ट ग्लाइडिंग। बहुत मुश्किल से पीने से किया है, थोड़ा बॉटल साइज हालत होने वाली है और इनकी ये हालत होने वाली है, सीधा डिफरेंस। तीज के लिए रेडी होने जा रही थी फ्रेंड्स, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम मेकअप वगैरह तो खूब अच्छा कर लेते हैं, पार्लर्स में जाके भी रेडी हो जाते हैं, लेकिन हाइजीन इश्यूज का ध्यान नहीं देते हैं। तो मेरी थोड़ी सी हेयरी स्किन है और थोड़े थोड़े से जो है ना मेरे नेजल हेयर यहाँ से दिख रहे थे। तो ये एक ऑर्डिनरी सा मैंने खरीदा था अमेजोन से, लिंक अगर होगा इसका तो दे दूंगी आपको मैं। तो मैंने सोचा कि ये क्लीन कर लिया जाए। एंड आज के मेकअप का शॉट जो है मैंने डाल दिया है नेचुरल, बड़ा ही ईजी लेकिन फुल कवरेज मेकअप है ये, बहुत जल्दी हो जाता है, बिगिनर्स भी कर सकते हैं। तो इसका शॉट या तो मैं ऊपर लिंक कर दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। एंड लेट्स बिगिन। तीज के लिए बहुत सामान रेडी हो चुका है, हम रेडी होते हैं एंड लेट्स सी हाउ द लुक कम्स आउट। एंड दिस इज वॉशेबल तो मैं इसे वॉश करके आती हूं। तो फ्रेंड्स मेकअप करने के बाद अभी साड़ी नहीं पहनी, रेडी नहीं हुई हूँ। सबसे पहले जो है लंच का इंतजाम कर रही हूँ क्योंकि आरफ स्कूल से आने वाला होगा और बच्चे आते हैं तो उन्हें कुछ अच्छा लगता है ना, कुछ टेस्टी खाने को मिले। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बहुत झटपट वाली बड़ी इजी चीटिंग वाली रेसिपी है, आप देखिएगा, अगर आपको पसंद आए तो आप ट्राई जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स ये पनीर सौते कर रही हूँ मैं एंड चाइनीज डिश है, पहले ही बता दूँ आपको मैं, बहुत जल्दी बनने वाली है, बच्चों की फेवरेट। तो जब तक पनीर सौते हो रहा है तब तक अनियन काट रही हूँ मैं। फ्रेंड्स आज तीज नहीं है, मैं तीज का गेटअप दिखा रही हूँ एंड और हम लोग मैं सच कहूंगी कि सावन के दिनों में प्याज लहसुन खाते हैं एंड नॉन वेज तो आप जानते ही है ना खाती नहीं हूँ क्योंकि वेजिटेरियन हूँ अदरवाइज। तो प्याज कुछ इस तरीके से काटेंगे, बीच में से आप देखिए मैंने आधा कर लिया है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से काटेंगे थोड़ा अलग ढंग से, आपने मेरी कई झटपट वाली रेसिपीज में देखा होगा मैं प्याज इस तरीके से काटती हूँ, ये ऐसे धो लेते हैं इसे और इसे इस तरह से मोटा मोटा डाइस कर लेंगे लाइक दिस और ये अलग कर देंगे सब। अब मैंने एक चम्मच ऑयल दूसरे पैन में डाल दिया है, इसमें बारीक कटा हुआ एक चम्मच भर के डाल रही हूँ मैं गार्लिक, इसमें मैं डाल रही हूँ ग्रीन चिली, शायद थोड़ी सी खांसी आए इससे। लेकिन फ्रेंड्स एक टिप मैं आपको दूंगी कि कभी भी आप चाइनीज का कुछ बनाइए तो हमेशा तेज गैस पे बनाया जाता है, धीमी गैस पे नहीं। बाकी का अनियन डाल दिया मैंने और सॉल्ट नहीं डालते हैं ताकि क्रंच रहे इसलिए, तो ये तेज गैस पे ही बना रही हूँ मैं। आप चाहे फ्रेंड्स तो इसमें बेल पेपर डाल सकते हैं, कैप्सिकम डाल सकते हैं, इनफैक्ट डालिए बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आरब खाता नहीं है ना बेल पेपर पसंद है ना कैप्सिकम पसंद है, क्या करें, तो अनियन ही से काम चला रहे हैं। वैसे तो फ्रेंड्स आइडियली मेकअप करके कभी भी जो है खाना नहीं बनाना चाहिए, बट क्या करें यू नो वर्किंग मॉम। तो फ्रेंड्स ये मत समझिएगा ये जल गया है, इस तरह से ब्राउन करने से ही इसका ज्यादा मजा आता है, इसे हम साइड में रख देंगे। नेक्स्ट स्टेप, सो फ्रेंड्स ये मैं फटाफट वाला काम करती हूँ। नॉर का आता है ना चिली ग्रेवी मिक्स या दूसरी कंपनीज के भी आते हैं, और भी यूज करती हूँ बट आई प्रेफर नॉर। तो ये नहीं अगर मिलता है तो कई बार मैं मनचाओ सूप या दूसरा हॉट एंड सार सूप, किसी भी सूप में ये वाला बना देती हूँ। आई टेल यू हाउ, बहुत अच्छा लगता है, बिलीव मी बिल्कुल पता नहीं चलता, एकदम रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आता है। तो ये मुझे चिली ग्रेवी मिक्स मिल गया था एंड इसमें आइडियली लिखा होता है कि जैसे 450 ml पानी लिखा हुआ है ना, तो मैं थोड़ा कम डालती हूँ 400, तो क्या होता है थोड़ा सा थिक थिक ग्रेवी अगर पसंद करते हैं तो अच्छी लगती है। तो ये ठंडा पानी मैंने 400 ml ले लिया है, मेरी आदत है ये मेजर्स यूज करने की तो मेजर कर लिया है एंड ठंडे पानी में इसे घोल लेंगे। अब जो है हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ी सी इसमें मैं पेपर ऐड कर रही हूँ फॉर अ पेपरी टेस्ट एंड बॉइल आने तक हम जो है इसे हिलाएंगे। ओके फ्रेंड्स ये देखिए एक बॉयल आ गया है और ये जो है इस तरह का गाढ़ी हो गई है, कुछ एक या दो मिनट के लिए जो है इसे सिम पे रखेंगे। तो मैं अब इसमें जो हमने अनियन गार्लिक का बनाया था वो डाल रही हूँ मिक्स एंड साथ में ये पनीर। अब सिम पे से जो है एक दो मिनट के लिए पकाएंगे। तो ये हो गया रेडी, मतलब कहिए 5-7 मिनट में रेडी हो गया है कटिंग समेत, ये देखिए। अच्छा बना है, आरब को पसंद आ गया सबसे बड़ी बात है एंड
आज वर्किंग लंच हो रहा है, आशा मेरे बाल कर्ल कर रही है, मैंने सोचा कि चलिए आज वेव्स करते हैं। एंड बहुत ईजी तीन हेयर स्टाइल दिखाने वाली हो ना आशा जी, ईजी वाली जो हम खुद बना सकते हैं, तीन हेयर स्टाइल जो है ना जल्दी से आने वाली हैं आपके पास फॉर द फेस्टिव सीजन। एंड वन थिंग आई वांट टू शो यू, आशा वो स्प्रे दिखाना प्लीज़, ये वाला हॉट शॉट वाला। हाँ, कभी भी हम कोई भी हॉट स्टाइलिंग करें ना हमारे बालों पे, चाहे स्ट्रेटनर हो या कुछ भी करें, तो हमेशा जो है कुछ ना कुछ हीट प्रोटेक्टर ज़रूर लगाना चाहिए। सो दिस इज़ द हीट प्रोटेक्टर विच आई एम यूजिंग, ये बी ब्लंट का है हॉट शॉट, बहुत पहले मैंने इसका वीडियो भी किया था, आई लाइक इट सो आई एम यूजिंग इट। सो हीट प्रोटेक्शन इज़ अ मस्ट, बिल्कुल ऐसे डायरेक्टली जो है ना सिरम लगा के ऐसे स्प्रे कुछ करके बालों में कर्ल्स या कुछ भी स्ट्रेटन मत कीजिए, ऑलवेज यूज़ अ हीट प्रोटेक्टर। तो साथ साथ मैं एक्चुअली मैं रील भी बना रही हूँ इस गेटअप की, सो आई शो यू द लिपस्टिक फर्स्ट, आई शो यू द लिप लाइनर। लिप लाइनर जो मैं लगा रही हूँ वो नायका का है, नायका लाइनर्स आई लव एंड मार्स के भी बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, एंड दिस इज़ अ लवर बॉय। और जितनी भी चीज़ों के लिंक्स हो सकता है मैं हो पाएगा मैं दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड इंक्लूडिंग द आउटफिट विच आई एम वेयरिंग, इसका हॉल किया था मैंने उसी में है, सो आई अटैच दैट हॉल ऑल्सो। सो आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि ये नई लिपस्टिक खरीदी है मैंने, कल ही खरीदी है, लॉरियल की है, एंड दिस इज़ लिक्विड। पहले नंबर बता दूँ आपको 420 लिपस्टिक, ओके। एनीवेज उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि ये लिक्विड है, लेकिन जो है मैंने बोला लिक्विड से क्या होता है बाल ऐसे टच होते हैं ना तो फैल जाती है, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि नहीं फैलेगी, लेट्स सी एंड में हमें रिजल्ट्स पता लग जाएंगे। I love L'Oreal also. Otherwise, I used a lot of lipstick. सारे brands की use करती हूँ, Mamaearth की काफ़ी use कर रही हूँ of late. तो वैसे तो मैं dark green के साथ जो है I go for nude shades. But क्योंकि ये तीज look है that's why I'm going for red. इतना प्यारा feel है ना इसका, it is so soft and just gliding. I hope इसका result जैसा बोला है वैसा ही निकले, तो I'm in love with it. इनफैक्ट सेल्स चल रही थी L'Oreal में तो मुझे डिस्काउंट भी मिली है इस पर। तो ये मेरी शादी का एक्चुअल मंगलसूत्र है फ्रेंड्स, जो मुझे संजीव जी ने पहनाया था। अच्छा कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये झुमका वाला कि चांद वाली? ये चांद वाला अच्छा लग रहा है ना, ये चांद वाली अच्छी लग रही, मुझे भी ये लग रहा था यही पहनती हूँ। किस किस को ये बोलना देख के मेरा राजश्री वाला ये रिश्ता क्या कहलाता है, कह लो क्या आ रहा है। एंड फ्रेंड्स मुझे मालूम है आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की है उस लुक की, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब नेक्स्ट जो हॉल आने वाला है फेस्टिव सारी हॉल, उसमें मैं राजश्री का गेटअप करके दिखाऊंगी, एग्जैक्टली वैसे ही रेडी होंगी। लेकिन आज मैंने सोचा चलो बाल खोल लेते हैं, थोड़ा चेंज हो जाएगा। एक्चुअली फ्रेंड्स ये जो है बोलना धागे से हम बांधते हैं तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लगता है कंफर्टेबल रहता है, लेकिन मैं यूपिन्स लगा रही हूँ बिकॉज हमने पहले ऐसे लगा लिया। आशा प्लीज़ मुझे यूपिन पकड़ाना, हाँ बहुत लंबे नहीं मीडियम साइज़ के ऐसे पिन लेके ना इनके बीच बीच में डालते जाएंगे तो अटक जाएगा। तो फ्रेंड्स बहुत मुश्किल से पिन से किया है, एक्चुअली ये डोरी यहाँ साइड्स में बांध के नीचे बांधा जाता है और एक पैकिंग चाहिए होती है यहाँ पे, जो मैं आपको राजश्री की गेटअप में ज़रूर दिखाऊंगी कि कैसे होल्ड करना है। इसमें हम मैं बाल खुले रखे हैं, फर्स्ट टाइम इस तरह का गेटअप खुले बाल में कर रही हूँ, सो आई डिडंट हैव आइडिया, लेकिन किसी तरह से बस अटक गया समहाउ। मेरा इस हाथ में जो है कड़े पहनने का मन नहीं है, सिर्फ कांच की हरी चूड़ियाँ। नथ का थोड़ा सा गड़बड़ होगी फ्रेंड्स, वो काफ़ी ज़्यादा गोल्डन है एंड दिस इज़ काइंड ऑफ वाइट गोल्ड, तो जा नहीं रही। तो ये पहले भी देखा हुआ आपने, 900 पेयर्स है नहीं मेरी, मतलब तीन बार करवाई थी तीनों बार बंद हो गई, किसी के साथ ऐसा हुआ हो तो बताइएगा। और निशान भी नहीं रहता, इतनी तकलीफ़ होती है फिर भी निशान भी नहीं रहता, बंद हो जाती, तो आई थिंक दिस इज़ ओके। सो दिस साड़ी इज़ फ्रॉम मीशो, वेरी वेरी पॉकेट फ्रेंडली, लिंक मैं दे दूँगी। इसके साथ ब्लाउज पीस आया था ऐसे, ये पट्टी वाला, बॉर्डर पट्टी वाला, लेकिन एज़ यूजल मैं सिलवा नहीं पाई हूँ, बाद में ही सिलते मेरे ब्लाउज, सो आई हैड द मैचिंग थिंग, इसलिए मैंने ये पहन लिया। आई शो यू द फुल लुक, और ये भी देखते हैं कि L'Oreal की इस लिपस्टिक ने कितना टेस्ट पास किया। संजीव जी ने अपनी नैप ले लिया, आफ्टरनून नैप, और ये उठ के देख रहे कि मैं नींद में देख रहा था कोई परियां वगैरह घूम रही थी मेरे आसपास, और जब उठ के आया हूं तो सामने एक परी खड़ी हुई है। हरी परी परी इना हरी
मतलब आज तीज नहीं है लेकिन मैं रेडी हो गई हूँ तीज के हिसाब से। वैसे तो हम पंजाबी में करवा चौथ होता है तो मुझे इन्होंने फ्यूचर दिखा दिया कि क्या होने वाला है अभी तीज पर। ये होने वाला है, थोड़ा मेरी ये हालत होने वाली है और इनकी ये हालत होने वाली है, सीधा डिफरेंस। अच्छी लग रही है बहुत। और मैं कैसा लग रहा हूँ? लग रहा हूँ ना रसोई में जाके खाना बना के आया हूँ अभी। आप लोग के लिए रेसिपी शूट कर रहे होंगे। चलो वेरी गुड। नहीं अच्छा लग रहा है ना? वेरी नाइस ना, गुड कॉम्बिनेशन। ग्रीन ये क्राउन कैसा पहना हुआ है? क्राउन नहीं है, बोर्डला आजकल ऐसे चल रहा है। बोर्डला 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 लगाते नहीं थे हम सीरियल में भी अपने यहाँ पे, ये आजकल ऐसे ही चल रहा है, थोड़ा अलग डिजाइन का। तारीफ कीजिए मेरी। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया और मेरे पल्ले आया। पल्ले आया। चलो लगे रहो, करते रहो। ठीक है, चलो सी यू बाय। ओके गाइस, सो दिस वाज द तीज इंस्पिरेशन फॉर यू ऑल। एंड अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन ऑन कीजिएगा और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं बहुत से पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप्स के लिए।